अगर आपके स्वीट पॉट एकदम गंदे काले हो गए हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से इसे आज हम क्लीन कर लेंगे, वो भी कम मेहनत के अंदर। पहले बोर्ड के ऊपर जो भी धूल मिट्टी डस्ट लगी हुई है इसे आप झटक के साफ कर लीजिए। जब अच्छे से आपके साफ हो जाएगी उसके बाद कोई भी आप पेस्ट जो आता है उसे यूज कर लीजिए। आपको व्हाइट वाला ही लेना है, कलर वाला यूज नहीं करना है, जेल वाला भी यूज नहीं करना है। अच्छे से इसे लगाइए इसके ऊपर, लेकिन इसे लगाने से पहले आप पैरों में चप्पल पहन लीजिए, उसके बाद ही आपको यूज करना है कि इसमें करंट आने के चांस रहते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको ये चीज करना है। अगर हो सके तो आप मीटर को जो है वो बंद कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से इसके ऊपर आपको लगाना है, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लगाना है, कम क्वांटिटी में नहीं लगाना है, ताकि ये अपना असर जो है खटकों के ऊपर अच्छे से दिखा सके। मैंने रात के टाइम पे ये शूट करा था, मैंने मीटर को बंद नहीं करा था, लेकिन मैंने काफी ज्यादा ध्यान से करा है। इसे लगाने के बाद जहां जहां भी आपका गंदा हुआ है पूरे पैप अच्छे से लगा दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा ही लगाइए, कम मत लगाइए। ज्यादा लगाएंगे तो ही एकदम बढ़िया ये क्लीन करेगा, क्योंकि इसके अंदर हम पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे तो झाग इसके अंदर नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लगाया। इसे लगाने के बाद हल्का हल्का सा ब्रश से इसे आप फैलाते जाइए। उसके बाद इसे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। अगर टाइम है तो आधा घंटे के लिए भी इसे आप छोड़ सकते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट का समय हो चुका है, कलर ही इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। जैसे जैसे इसके ऊपर आप ब्रश से इसे रगड़ते जाएंगे ये फटाफट क्लीन हो जाएगा। टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। आप खुद देख सकते हैं जैसे ही मैं लगाती जा रही हूँ वैसे खटके का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस हल्के हल्के हाथों से ही रगड़ना है, ज्यादा ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो भी ये बिल्कुल आसानी से क्लीन हो जाएगा। कितने भी गंदे काले आपके खटके होंगे सारे अच्छे से साफ हो जाएंगे। अंदर से बाहर से खटके को बंद करके खटके को चालू करके अच्छे से इसे आप क्लीन कर लीजिए। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है वहां पर अच्छे से आप बार बार रगड़ सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से ही रगड़ना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं लगाना है, नहीं तो करंट आने के चांस जो है इसमें पूरे रहते हैं। अगर आप मीटर को बंद करने के बाद ब्रश को हल्का सा गीला करके पोंछ लें, उसके बाद भी अगर इसे आप साफ करते हैं तो आसानी से आप साफ कर सकते हैं। मैंने सूखा कपड़ा लिया है, सूखे कपड़े से इसे पूरा अच्छे से आप पहले पोंछ लीजिए, उसके बाद मैंने मीटर को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद हल्का गीला कपड़ा लेके मैंने इसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट पेस्ट दिख रहा था उसे अच्छे से मैंने पोंछ दिया था। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इसे फिर से पोंछ दिया ताकि बिल्कुल भी करंट ना आए। देखिए कितने अच्छे से खटके जो है हमारे नए जैसे एकदम साफ हो गए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।